जी, मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं बेसिकली झुंझुनू जिले से बिलोंग करती हूँ, लेकिन नर्सिंग स्टाफ हूँ तो मैं पोस्टेड टोंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और काफी समय से मुझे बोलते हैं ना, देसी भाषा में बच्चादानी बाहर निकलने की परेशानी थी, तो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने मुझे यही राय दी कि आपको बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे जो सीनियर सर हैं, कहीं भी अगर वो वीडियो देखेंगे, डॉक्टर राकेश सैनी जी ने मुझे सलाह दी कि एक बार आप सुशीला मैम से मिल लो, वो मैम जो आपको गाइड कर देना वो आप करवा लेना। तो मैं मैम के पास आई और मैम ने मुझे ये कहा कि नहीं सिस्टर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन से ही सक्सेस हो जाएगा, बच्चादानी निकालने की जरूरत नहीं है। और मैंने 12 सितंबर को दूरबीन हॉस्पिटल के अंदर, 12 सितंबर 2023 को मैंने दूरबीन हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करवाया और उसके बाद से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली गांव में महिलाएं क्या है कि इस बात से ही डरती रहती है कि अगर अपने बच्चादानी बाहर निकलने की समस्या है तो अपन को बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी। लेकिन दूरबीन के द्वारा, दूरबीन हॉस्पिटल में दूरबीन के द्वारा ये एक ऐसी प्रोसेस है कि आपको बिना बच्चादानी निकलवाए ही भी ट्रीटमेंट हो सकता है आपको। और जैसे बहुत सारी लेडीज है, तो मेरे एज की अभी अगर देखा जाए तो मेरी काफी एज नहीं है, 35 की मैं हुई हूँ, उस एज में बहुत सारी महिलाएं घबरा जाती है कि अपन क्या करे क्या नहीं करे। तो मेरी सभी से ये राय है कि एक बार अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, वो वीडियो देख रहे हो, तो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। और मैं मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ से अपन जो दूरबीन से ऑपरेशन करवाते हैं उसके बाद में अपन को ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं रहती। अपन जो जनरली खान पान पहले लेते हैं वो आप पूरी प्रॉपर डाइट ले सकते हो, कोई किसी चीज का परहेज नहीं है। तो मैं सुशीला मैम का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मेरे को एक अच्छी लाइफ पहले वाली दी और मुझे कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स टू सुशीला मैम। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे सबके साथ शेयर किया। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि आपको एक साल हो गया ये ऑपरेशन करने, तो एक साल के अंदर आपको ऐसा लगा कि कहीं कोई तकलीफ, दर्द, परेशानी कुछ और नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, 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 और अब आपके बच्चेदानी भी एक साल से बिल्कुल सही सेट है? क्योंकि लोगों में एक मिथ या भ्रम ये भी होता है कि जाली लगाने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाएगी, या जैसे हस्बैंड से मिलने में कोई समस्या आ जाएगी, तो ऐसा तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं मुझे ऑपरेशन के बाद में, मुझे लगा ही नहीं कि एक्चुअल में मेरे ऑपरेशन भी हुआ था। और बेसिकली काम के लिए बोला जाए ना तो मैं 10 दिन के बाद में मेरे जो घर के सारे रूटीन के काम है ना वो भी करने लग गई थी। तो महिलाओं में ये भी रहता कि ऑपरेशन के बाद अपन को 6 महीने रेस्ट करना, अपन को वजन नहीं उठाना, तो ये भी ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं। मैम ने कहा था कि आप कल से कर सकते हो, मैंने 10 दिन के बाद में मेरा रूटीन का कार्य शुरू कर दिया था। आप तो गाँव की महिलाओं के संपर्क में ज्यादा रहती हो, तो आपको ज्यादा पता है कि एक्चुअली महिलाएं क्या क्या तकलीफें और क्या क्या सवाल लेके आती हैं। तो यही सबसे पहला सवाल होता है कि भाई कितना दिन हमें रेस्ट करना पड़ेगा, खाने पीने में क्या रखना पड़ेगा। गांव में ज्यादातर महिला यही सोचते हैं कि दूध दही खाना, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो ही घर पे जो सब्जी रोटी फ्रूट वर्ड्स जो बनते हैं ना वो खाया, ऐसा कोई स्पेशल ये नहीं कि अपन को दूध दही खाना है। तो एज ए सिस्टर जी, अब आपका फर्ज आपके अपने गांव में जितने भी लोग हैं सबको एजुकेट करना है। जी मैम, उसके बाद से मैं मतलब जो भी पेशेंट है ना उनको, मंजू सिस्टर को पता है मेरी कॉल होती रहती है, मैं पेशेंट को भेजती रहती बात में। मैं यही कहती हूँ एक बार आप वहाँ जाके मिल लो और आपकी समस्या का 100% सोल्यूशन होगा वहाँ पे। तो दर्शकों को एक ही मैसेज है मेरा भी और सिस्टर जी का भी और हमारी मंजू सिस्टर जी का भी। आ जाओ मंजू सिस्टर जी, हम सबका एक ही मैसेज है कलेक्टिवली आप सबको कि महिलाएं अपनी बीमारियों से, बीमारी डरे नहीं, परहेज नहीं करे, अब डॉक्टर को दिखाए, सिस्टर जी को दिखाए, डिस्कस करे और सही राय ले। क्योंकि बच्चेदानी अगर नीचे खिसक गई तो उसका एक ही इलाज नहीं कि उसे निकाल दिया जाए, बहुत सारे और भी तरीके, जाली लगा के, बिना जाली लगाए भी बच्चेदानी को अंदर सेट किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, जिसके साथ ही आप आगे चलकर प्रेगनेंसी भी कर सकते हो, अपनी नेचुरल लाइफ भी जी सकते हो। कम उम्र में बच्चेदानी आइडियली नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो अपने बच्चेदानी को आप बचा के रखिए ताकि आपके अपनी हेल्दी लाइफ को जी सके आगे। थैंक यू सिस्टर जी, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।